डेटा एंट्री के बारे में आज हम बात करेंगे कि डेटा एंट्री की जॉब्स कौन सी होती हैं कहाँ अवेलेबल होती हैं कौन डेटा एंट्री कर सकता है जिस तरह हम जानते हैं कि इंटरनेट के ऊपर आजकल हर बंदा पैसे कमाना चाहता है हर बंदा चाहता है कि उसे कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम पता चल जाए जो वो घर से बैठ के कर सकता हो इंटरनेट के थ्रू कर सकता हो उसके लिए इजी पॉसिबिलिटी क्या है तो जो लोग ग्राफिक डिजाइनर हैं राइटर हैं डेवलपर्स हैं वो लोग तो कर रहे हैं और उनको पता है आ, लेकिन जो बंदा जिसके पास कोई अभी स्किल नहीं है बेसिक कंप्यूटर उसको ऑपरेट करना आता है तो वो क्या करे डाटा एंट्री एक ऐसी जॉब है एक ऐसा टास्क है एक ऐसा फील्ड ऑफ वर्क है जो कोई भी बंदा विद बेसिक कंप्यूटर सेंस ईजिलीली कर सकता है उसके अंदर यूजली क्या होता है एक्सेल शीट्स मैनेज करनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने टेक्स्ट फाइल्स मैनेज करने इमेज फाइल्स मैनेज करने पी डी एफ स्कैंड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स इस तरह की चीज़ें आपको दी जाती हैं और आपने उनको देख के उनमें से एनालिसिस करके एक इंस्ट्रक्शन होती हैं कि यार इसमें जहाँ जहाँ पॉज़ आया वो आपने नोटिफाई करना है कि वीडियो है इसमें जहाँ जहाँ पॉज है वो आपने नोटिफाई कर देना ऑडियो है इसमें जहाँ जहाँ फलान लफ्ज़ आया है, आपने नोटिफाई कर देना है एक्सेल शीट है इसमें से सारी ई निकाल के आपने फलान डाटा में सेव करें सो इंस्ट्रक्शन आपको दे दी जाती हैं आपने सिर्फ अटेंशन uh, से काम करना होता है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है तो आप इजीली डाटा एंट्री की जॉब कर सकते हो डाटा एंट्री की जॉब के अंदर टाइपिंग वर्क होता है ज़्यादातर फॉर्म्स आपने फिल करने होते हैं एडिट और प्रूफ रीड करना होता है डाटा को कन्वर्ट करना होता है एक फॉर्मेट से दूसरे दूसरे फॉर्मेट में आ, डाटा की फॉर्मेटिंग करनी होती है उसको एक सर्टन फॉर्मेट आपको दे दिया जाता है कि ये सारे का सारा डाटा इस फॉर्मेट में हेडिंग हेडिंग है फॉन्ट है है इसमें कर देना है। और उसके अलावा सोशल मीडिया और एडवर्टाइजिंग से रेलिवेंट काम भी आपको डाटा एंट्री के अंदर मिल जाता है तो सिंपल सी चीजें होती हैं डाटा एंट्री के तौर पे आप जिनको कर सकते हो इससे पहले कि हम आगे चले वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को उन लोगों को टैग करें जो फ्री लासिंग में डाटा एंट्री के तौर पर काम कर सकते हैं करना चाहते हैं और मे भी उनको पता ही नहीं है कि वो कर सकते हैं तो उनको जरूर टैग करें ताकि वो अपने लिए कुछ करना शुरू करें तो मैंने आपको बताया कि

दानकाश डॉट कॉम पर रिसोर्स के अंदर भी सब डिटेल्स हैं अपवर्क पे ओवरव्यू कैसे बनाना है प्रपोजल कैसे लिखना है अपवर्क के ऊपर आप अपना प्रोफाइल बनाओ उसके अंदर डिफरेंट जॉब्स होती हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर आईटी के अंदर नेटवर्किंग के अंदर डिज़ाइन के अंदर आ, उनके अंदर डाटा एंट्री की भी जॉब्स होती हैं अपवर्क की सो आप वो कर सकते हो नंबर टू पे हमारे पास आई फ्री लांच डॉट कॉम है उसके अंदर डाटा एंट्री का बहुत सारा काम होता है जो डाटा एंट्री का काम लोग करना चाहते हैं उनके लिए और जो करवाना चाहते हैं उनके लिए भी सो so, इजीली लोग उसके ऊपर देख सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयर्स वहाँ पर मौजूद हैं सो so, इजीली आपको काम मिल जाता है आपने अपनी बस एम्प्लॉयस अपनी जॉब लगाते हैं आपने उसके ऊपर बिड करना होता है और बताना होता है कि मैं कौन सा काम कर सकता हूँ कितने पैसों में कितने टाइम में कर दूंगा नंबर थ्री पे हम आपस पीपल पर और है जिसके अंदर किसी भी किस्म का काम आर्ली रेट पे लोग करते हैं अगर आपके पास डाटा एंट्री जॉब है आप पीपल पर और पे पोस्ट करते हो और डाटा एंट्री करने वाले लोग उस पर अपने प्रपोजल्स अपने ऑफ़र्स भेज देते हैं सो so, आप स्किल्स की बेसिस पे लोकेशन की बेसिस पे जॉब कैटेगरी की बेसिस पे अपना प्रपोज़ल सेंड कर सकते हो और आप जो है इजीली डाटा एंट्री की टास्क वहाँ पर ढूंढ सकते हो फिर वर्क फॉर हायर डॉट कॉम है उसके अंदर भी डाटा एंट्री की बहुत अच्छी जॉब्स अवेलेबल होती हैं और डिफरेंट प्रोफेशंस और क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अवेलेबल होती हैं सो जो लोग रजिस्टर करते हैं वो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर जॉब ले लेते हैं Uh, जब क्लाइंट और फ्रीलांसर एग्री कर लें तो कॉन्ट्रैक्ट उनका शुरू हो जाता है एस्क्रो का सिस्टम है बड़ा प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर पेमेंट सिस्टम है नंबर फाइव पे हमारे पास फ़्री लांसर है फ्री, फ्री लांसर काफ़ी मशहूर प्लेटफॉर्म uh, है फ्री लांसिंग के लिए और uh, उसके अंदर आपने बिल्ड अपनी भेजनी होती है डाटा एंट्री जॉब के लिए जो आपको सूटेबल uh, लगे कि ये मैं कर सकता हूँ और uh, उसके अंदर uh, बड़ा अच्छा सर्च इंजन है जॉब्स का भी जो आप अच्छी तरह यूज़ करके फिल्टर कर सकते हो अपने लिए जॉब uh, फिर क्रेग लिस्ट है क्रेग लिस्ट का लोकल एरिया के अंदर ज़्यादा आपको डाटा एंट्री की जॉब मिलती हैं उसके थ्रू लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जगहों पर वो मौजूद है और फ्री लांस वर्क भी आप उसमें ढूंढ सकते हो फिर गुरु है गुरु के अंदर डाटा एंट्री का बहुत काम मौजूद है आ, डाटा एंट्री के ज़्यादातर फ्री लांसर्स गुरु के ऊपर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं और आ, लार्ज डाटा है उसके अंदर फ्री का भी एम्प्लॉयर्स का भी ज़्यादातर ऑर्ली बेसिस होती है और उसके अंदर भी mention होता है कि कितने घंटे कितना काम उसमें required है अगर आपको लगे कि इतने इतने घंटे में उसके ऊपर शुरू कर सकते हो फिर फ्लैक्स है रेलिवेंट डाटा एंट्री की जॉब्स अवेलेबल होती हैं और बस आपने डाटा लेना है एंटर करना है और क्लाइंट्स मौजूद हैं कितने घंटे आप काम करना चाहते हो उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं फिर नंबर नाइन पे हमारे पास स्मार्ट क्राउड है डाटा रिसर्च डाटा एंट्री लैंग्वेज टेस्टिंग इन सारी चीज़ों के अंदर स्मार्ट क्राउड के अंदर बड़ा अच्छा काम मौजूद है बड़ा हाई वॉल्यूम ऑफ वर्क मौजूद है सिंपली आपने रजिस्टर करना होता है और ऑल अराउंड द वर्ल्ड से एम्प्लॉयर्स वहाँ मौजूद होते हैं आपने उसके ऊपर अपना प्रपोजल भेजना है और सिंपली uh, जैसे उसके अंदर इस तरह के तास्वी है कि आपने एड्स को डिफरेंट वेबसाइट्स पे पेस्ट करना है या आपने सर्विस कंप्लीट करने सो so बेसिक बहुत अच्छे काम होते हैं डाटा एंट्री से रेलिवेंट और आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं फिर एम टर्क है अमेजोन मकैनिकल टर्क के लिए स्टार्ट करता उसके अंदर भी फ्री लांसिंग मार्केट प्लेस है अमेजोन का और उसके अंदर स्केलेबल और इजी रेट्स में वर्क फ्रोर्स हायर करते हैं सो so, आप ह्यूमन इंटेलिजेंट टास्क के ऊपर काम करते हो उसके अंदर और अच्छे पैसे आपको मिल जाते हैं सो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स जिनके ऊपर डाटा एंट्री की आप इजीली जॉब्स ढूंढ सकते हो बाकी डाटा एंट्री के लिए प्रोफाइल कैसे बनाना है प्रपोजल कैसे लिखने हैं पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए इन सारी चीजों के लिए आप हमारे रिसोर्सेज में जाओ दानकाश डॉट कॉम पे फ्रीलांसिंग का भी ई e बुक है डाटा एंट्री से रेलिवेंट प्रपोजल्स भी आपको मिल जाएंगे स्कोप ऑफ वर्क भी मिल जाएगा ओवरव्यूज भी मिल जाएंगे वो डाउनलोड कर लो अपने पास और हमारे

create इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका क्वेश्चन जो है किस कैटेगरी में आता है फर्स्ट कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपने फर्स्ट किया इंस्टाग्राम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है तो आपने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है उसके बाद अपने क्वेश्चन का जो है आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है How can I create Instagram business account? And या yeah, इसको ये कर लें आप इसकी जो है मजीद डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं जो भी आपको मतलब क्वेश्चन होगा कंप्लीट आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं उसके बाद जो है सिंपली यहां पर क्लिक करके इसको पोस्ट कर देना है तो आपका जो क्वेश्चन है वो पोस्ट हो चुका है अब जब हमारी टीम ये क्वेश्चन देखेगी हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे कि इसका आंसर करेंगे आपको जो आंसर होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है और दूसरे अगर आपको और क्वेश्चन जो पहले से लोगों ने पूछे वो भी सर्च कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे आना है सर्च करना है फर्ज किया कि किसी ने पूछा हो फेसबुक पेज का क्वेश्चन तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं ये देखें हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया तो इस तरह जो है आप डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या आप जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी जो लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं ठीक है और इस तरह आप हम यहाँ पे आपको साइड पे जो है डिफरेंट कैटेगरीज भी नजर आ रही है जो फर्ज किया कि मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ जो लोगों ने पूछे हुए हैं और उनके आंसर्स क्या हैं तो वो भी देख सकते हैं कि अपर के बारे में किसी ने पूछा किसी ने जो है अपर क्वालिफिकेशन इशू आ रहा था उन्होंने पूछा उसको आंसर दिया गया है बहुत सारे लोग जो है, हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है नहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब बेल का आइकन करें हेट और आप ही कहना चाहते हैं आप कहना चाहते हैं सब्सक्राइब बल आइकन को जीरो तीन सौ चार ट्रिपल वन फाइव सेवन एट सिक्स डॉट कॉम